जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मंदिर की जानकारी शेयर करना चाहूँगा जहाँ पर मेरे प्रभु श्री कृष्ण भूख से दुबले हो जाते हैं। यह विश्व का एक अनोखा मंदिर है जो 24 घंटे में मात्र केवल 2 मिनट के लिए बंद होता है। यहाँ तक कि यह मंदिर ग्रहण काल में भी बंद नहीं किया जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप विराजमान है उसे हमेशा तीव्र भूख लगती है। भोग ना लगाया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है, अतः उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है ताकि निरंतर भोजन मिलता रहे। साथ ही यहाँ आने वाले हर भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर लेता है, एक बार जीभ से चख भी लेता है तो उसे जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ता। श्री कृष्ण हमेशा उनकी देखरेख करते हैं। यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। यह मंदिर केरल के अंदर के कोट्टायम जिला है, जिले के तिरुवरप्पु में स्थित है। यह मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है। लोक मान्यता के अनुसार कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण बुरी तरह से थक गए थे, भूख भी बहुत लगी हुई थी, उनका वही विग्रह इस मंदिर में है। इसलिए मंदिर सालों भर हर दिन मात्र खुला रहता है। मंदिर बंद करने का समय 11:58 है, उसे 2 मिनट के बाद ही ठीक 12 बजे फिर से खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ एक कुल्हाड़ी भी दी जाती है कि अगर मंदिर खुलने में कोई दिक्कत आ जाए तो ताले को फौरन कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए, तो ऐसा निर्देश भी दिया जाता है ताकि भगवान को भोग लगने में तनिक भी विलंब ना हो। क्योंकि यहाँ मौजूद भगवान विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। उनको 10 बार निवेद्यम प्रसाद अर्पित किया जाता है। मंदिर खोले रखने की व्यवस्था आदि शंकराचार्य जी की है। ऐसा मंदिर जहाँ श्री कृष्ण भूख से बर्दाश्त नहीं होता है, पहले यह आम मंदिरों की तरह बंद होता था, विशेष रूप से ग्रहण काल में से बंद रखा जाता था। तब ग्रहण खत्म होते होते भूख से उनका विग्रह पूरी तरह सूख जाता था। कमर की पट्टी जो है वो नीचे की ओर खिसक जाती थी। एक बार इसी दौरान आदि शंकराचार्य जी मंदिर में आए, उन्होंने भी यह स्थिति देखी। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में भी यह मंदिर खुला रहेगा, बंद ना किया जाए। तब से मंदिर बंद करने की परंपरा जो है वो समाप्त हो गई। भूख और भगवान के विग्रह के संबंध को हर दिन अभिषेकम के दौरान देखा जा सकता है। अभिषेकम में थोड़ा समय लगता है, इस दौरान उन्हें निवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता, अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर जो है वो सूख जाता है। यह दृश्य अद्भुत है और अकल्पनीय सा प्रतीत होता है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य है। प्रसादम लेने वाले के भोजन की चिंता हमेशा श्री कृष्ण करते हैं। इस मंदिर के साथ ये मान्यता जुड़ी हुई है, जो भक्त यहाँ प्रसाद चख लेता है फिर जीवन भर श्री कृष्ण उनके भोजन की चिंता करते हैं। यही नहीं, उसकी अन्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने से ठीक पहले 11:57 प्रसादम के लिए पुजारी जोर से आवाज़ लगाते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त प्रसाद से वंचित ना रह जाए। यह अत्यंत रोचक है कि भूख से विहल भगवान अपने भक्तों के भोजन की जीवन भर चिंता करते हैं। उनके अपने भूख की यह हालत है कि उसे देखते हुए मंदिर को नित्य 2 मिनट बंद रखा जाता है। इसका कारण भगवान को सोने का समय देना है, अर्थात इस मंदिर में वे मात्र 2 मिनट तक सोते हैं। ऐसी आश्चर्यजनक परम जो है मेरे सनातन धर्म के अंदर बातें मिलती हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी उस मंदिर को देखने के लिए अवश्य जाएं, दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं और प्रभु के इस आनंद में स्वरूप का आनंद लें। जय श्री कृष्ण।